बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर लेक्चर इंग्लिश ग्रामर। इन दिस लेक्चर वी विल लुक एट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू बिकॉज ये बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टाइप्स के बारे में MCQs क्वेश्चन भी आता है, और कभी कभी FSC और FA के जो फेडरल बोर्ड के पेपर हैं उसमें आपको ये सब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि MCQs है जिसका आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि हर पेपर में जहाँ पर भी इंग्लिश का इन डेप्थ आपका पेपर होता है वहाँ पे ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे, जो आप सबको वैसे भी मालूम होगी, बट हम लोग थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? ऑब्जेक्ट द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन और द एक्शन इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस का वो पार्ट जो आपका एक्शन रिसीव करता है, जिसके ऊपर या फिर एक्शन परफॉर्म होता है, उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक चीज़ आपके सेंटेंस में पार्ट होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, और एक वो होता है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है। जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। शी राइट्स अ लेटर। अब देखें, शी राइट्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, और राइट्स यहाँ पे एक्शन है, और ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? अ लेटर के ऊपर। लेटर के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो लेटर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है, ही लव्स रीडिंग। ही लव्स वट? ही लव्स रीडिंग। रीडिंग जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ही लव्स, ही आपका सब्जेक्ट है, ही जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो रीडिंग के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक्शन रिसीव कर रही है, तो ऐसी एंटिटी सेंटेंस में जो आपका एक्शन रिसीव करता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम मजीद आगे जाते हैं, हम इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पार्ट है लेक्चर का, वो है इसकी टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली। देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वो ऑब्जेक्ट होता है जो आपका एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है। अब डायरेक्टली रिसीव करने से आपका मतलब क्या है? डायरेक्टली रिसीव करने का मतलब ये है कि उसके वर्ब के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान और कोई एंटिटी नहीं आती, और कोई चीज़ नहीं आती। इनडायरेक्टली वो एक्शन रिसीव नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है, एकदम एक्शन फॉल करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन मजीद देता हूँ, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इट आस्क वट आर हुम टू द वर्ब एंड फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर ढूंढ रहे हूँ, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके वर्ब से, सेंटेंस का जो वर्ब होता है उससे वट आर हुम पूछता है। हुम, वट आर हुम से मुराद क्या है कि आपके वर्ब से क्वेश्चन करता है वट आर हुम। वो कैसे पूछता है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए एलेबरेट करूँगा। जब आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो आपको ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? सारा थ्रू द फोन इन एंगर। अब यहाँ से आप देखें, ए को मैंने ब्लैक में बोल्ड किया और ए को रेड में। अब दोनों के नीचे मैंने एरो भी डाला हुआ। एरो क्यों डाला है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें, पहली बात है व्हाट आर होम, और दूसरा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया गया। अब व्हाट आर होम जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में भी कहा है वो क्या है, अब ये आप देखें। अगर आप इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें, सारा थ्रू व्हाट, अब वर्ब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर आप वर्ब के थ्रू के बाद आप क्वेश्चन मार्क डाल दें तो सारा थ्रू व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर आपको देगा, जो चीज़ आपको वर्ड का आंसर दे रही होगी वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें, इसको आप क्वेश्चन बनाएं, सारा थ्रू व्हाट, सारा थ्रू द फोन, द फोन आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये आपको वर्ड का आंसर दे रहा है। तो जो चीज़ आपको वर्ड या होम का आंसर देगी वो आपका सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी कंडीशन जो आप लोग देख रहे, बल्कि जो पहली कंडीशन है कि थ्रू के फौरन बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जो वर्ब के फौरन बाद आपका एक्शन रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपको वर्ड का आंसर करे वो भी दूसरी कंडीशन ही है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक और एग्जाम्पल आप देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है आई लव माई फ्रेंड्स। अब देखें, इसमें आपको होम का आंसर मिलेगा। कैसे? आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव होम, मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, अब आपको आंसर मिलेगा आई लव माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के ऊपर एक्शन जा रहा है, और फ्रेंड्स हमें होम का आंसर भी दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस जुमले में कि होम डू यू लव, आई लव माई फ्रेंड्स, तो किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है? फ्रेंड्स के ऊपर, और फ्रेंड्स ही हमें होम का आंसर भी दे रहे हैं। यू लव होम। देखिए, मैंने इसलिए होम को नीचे एरो करके आपको बताया हुआ है। आप अगर खुद से क्वेश्चन पूछें यू लव होम, आप फ्रेंड्स से मोहब्बत करते हैं, तो फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक और एग्जाम्पल देखें। हाँ, एग्जाम्पल देखने से पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लें, वो चीज़ क्या है? यू मस्ट हैव ट्रांजिटिव वर्ब इन ऑर्डर टू हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा वर्ब नहीं होगा जिसका एक्शन आगे पास ऑन हो रहा है, तो फिर आपका वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोग जहन में रख लें। अब आप आगे देखें कि मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे राइट, लव, रीड, जंप, इस तरह का जो एक्शन पास ऑन होता है उसको हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल आपको, बल्कि दो एग्जांपल्स आपको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की देता हूँ, उसके बाद हम इनडायरेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अली इज़ कुकिंग मीट इन पैन। अली इज़ कुकिंग व्हाट, अगेन आपको व्हाट, अगर आप उसको क्वेश्चन बनाएं, अली इज़ कुकिंग व्हाट, अली इज़ कुकिंग मीट। अब मीट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है कि भाई अली क्या पका रहा है, अली मीट पका रहा है, तो मीट का आपको आंसर मिल रहा है। सॉरी, एरो थोड़ा साइड पे लगा हुआ, ये मीट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो अली इज़ कुकिंग व्हाट, अली इज़ कुकिंग मीट, अली गोश्त पका रहा है, तो आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि एक्शन एकदम डायरेक्टली आकर उसके ऊपर फॉल करे, कोई दरमियान में और चीज़ ना आए। अब देखें, कुकिंग और मीट के दरमियान को और चीज़ नहीं आ रही, कुकिंग डायरेक्ट एक्शन एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, मीट के ऊपर। और अब अगर दूसरी एग्जाम्पल आप देखें, लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड, अब अगेन फिनिश आपका वर्ब है। अब देखें, फिनिश आपको पूछ रहा है, हाँ भाई क्या फिनिश करें, क्या आंसर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, व्हाट वी स्टार्टेड, जो हमने शुरू किया, तो जो हमने शुरू किया है वो हम ख़त्म करना चाहिए, तो वो हमें आंसर दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट वी स्टार्टेड। ठीक है, तो व्हाट का आंसर आपको व्हाट वी स्टार्टेड से मिल रहा है। होपफुली इस एलिब्रेशन के बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है, और आपके वर्ब का जो क्वेश्चन होता है, व्हाट या हुम क्वेश्चन पूछता है, वो आपका आंसर जो चीज़ देती है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ कुकिंग मीट, अली इज़ कुकिंग व्हाट, व्हाट का आंसर आपको मीट दे रहा है कि अली गोश्त पका रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानिब जाते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लें। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप फर्क देख लें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दैट रिसीव्स डायरेक्ट एक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट एक्शन रिसीव नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। यही डिफरेंस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका एक्शन रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए आपको मजीद एलिब्रेशन इसकी हो जाएगी। आप लोग इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देख लें, सेंटेंस में आपके पास पहले वर्ब आता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी इसमें अगर आप अभी तक कन्फ्यूज हैं। द टीचर गेव द स्टूडेंट केक। अब आप लोग देखें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टीचर गेव द स्टूडेंट्स केक, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट। क्यों? अब आप देखें ना, अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई करें, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, तो आप इसमें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें। आप दरमियान में से स्टूडेंट्स को निकाल दें, टीचर गेव व्हाट, अब जो चीज़ आपको व्हाट का आंसर देगी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो ऑब्वियसली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो टीचर गेव व्हाट, टीचर गेव केक, इट्स मीन केक आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टीचर ने किसको केक दिया ये सेकेंडरी चीज़ है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो जो चीज़ आपको व्हाट का आंसर कर रही है उसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें, और जो चीज़ उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आपके पास ऑब्वियसली बच जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। जो मैंने इधर लिखा भी हुआ है, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज केक, एंड द स्टूडेंट्स आर वन हु ईट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको इसमें मजीद एलिब्रेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर टू देख लें। एग्जाम्पल नंबर टू है, ही गिफ्टेड मी अ कार ऑन माई लास्ट बर्थडे। अब देखें, दो ऑब्जेक्ट, ही गिफ्टेड मी अ कार, मी भी है कार भी है। अब आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोग देखें, ही गिफ्टेड मी व्हाट, व्हाट व्हाट जो चीज़ होगी, जो चीज़ व्हाट का आंसर करेगी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही गिफ्टेड यू व्हाट, क्या गिफ्ट किया, कार गिफ्ट की, इट्स का मी, इट्स मीन ये कि कार हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हाट। तो उसके बाद गिफ्टेड टू हूम, किसको दी, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मी आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ रही है। और देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अगर बैक स्लाइड पे जाएं तो मैंने आपको, जब आप डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अब एग्जांपल से देखें ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा,
ये कार को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, कार को कौन रिसीव कर रहा है, मी रिसीव, मी मी एज ए मी रिसीव कर रहा है, तो इट्स मीन कि सेकंड कंडीशन भी हमारी पूरी होती है और सेकंड कंडीशन ये पूरी होने के बाद ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसको बना दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, आई विल टेल यू माई स्टोरी, आई विल टेल यू व्हाट, पहले तो वर्ड का आंसर ढूंढे ना, माई स्टोरी इट्स मीन जो चीज़ हमें वर्ड का आंसर कर रही है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, तो देखते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोरी को कौन रिसीव कर रहा है, आई विल टेल यू, यू आप मेरी स्टोरी को रिसीव कर रहे हैं, तो इट्स मीन स्टोरी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हमारा बाद में रिसीव करने वाला बंदा है वो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ जाएगी। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है, खास करके एफएससी के या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग सिलेबस की एक और वीडियो के साथ और पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।